नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। सुपारी देकर पत्नी ने कराई पति की हत्या। सुपारी देकर पति को मौत के घाट उतारने वाली पत्नी को अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया। सावनेर खेड़कर लेआउट निवासी युवक की केलोद नरसाला परिसर में गले पर धारदार हथियार के निशान की संदेहास्पद स्थिति में शनिवार को लाश मिली थी। केलोद पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था तथा पुलिस ने इस प्रकरण में जांच शुरू कर दी थी। आखिरकार आरोपियों का सुराग पुलिस को मिला। इस मामले में मृतक की पत्नी के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है तो वही एक आरोपी अब भी फरार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सावनेर खेड़कर लेआउट निवासी जयदीप साहेबराव लोखंडे की पत्नी देवका उर्फ कविता जयदीप लोखंडे ने खेड़कर लेआउट निवासी चंदन नथु दिएवार को लगभग डेढ़ माह पहले बताया कि उसका पति जयदीप उसे काफी तकलीफ देता है, उसकी हत्या करनी है। चंदन ने अपने पहचान के सुनील मालविया छिंदवाड़ा निवासी से उसे मिलवाया। बैठक में 50,000 रुपए देकर पति का काम तमाम करने का तय हुआ। 8 अक्टूबर को जयदीप को मारने के लिए चंदन दिएवार व सुनील मालविया ने केलोद से सब्जी काटने का चाकू खरीदा। 9 अक्टूबर को दोपहर लगभग 1:30 बजे चंदन दिएवार सुनील मालविया व मृतक की पत्नी देवका होली चौक में पहुंचे। योजना के अनुसार 9 अक्टूबर को आरोपी चंदन व सुनील ने जन्मदिन की पार्टी बताकर जयदीप को अपने साथ चलने को कहा और फिर तीनों गाड़ी से केलोद नरसाला घटना परिसर पहुंचे। रात करीब 11 बजे के दरमियान सुनील मालविया व चंदन दिएवार ने जयदीप के गले पर वार कर उसे मौत के घाट उतारकर लाश को वहीं छोड़कर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने पत्नी देवका तथा चंदन दिएवार को गिरफ्तार किया तथा सुनील मालविया अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। वही दूसरी ओर अजनी में फिर गैंग वॉर। अजनी थाना क्षेत्र में एक बार फिर गैंग वॉर शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। एक बार खून खराबा शुरू हुआ तो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। रविवार की रात रंजिश के चलते न्यू कैलाश नगर के दो अपराधियों की गैंग ने एक दूसरे पर हमला किया। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कैलाश नगर निवासी विक्की अनिल परसेकर और ओल्ड बाबुलखेड़ा निवासी सौरभ विलासराव अडलक के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों पर हत्या, मारपीट, हत्या का प्रयास सहित कई गंभीर मामले दर्ज है। रविवार रात 8:45 के दौरान विक्की अपने घर के पास खड़ा था। इसी दौरान सौरभ अपने दो साथियों के साथ वहां पहुंचा व लोहे की रॉड से विक्की पर हमला कर दिया। जैसे तैसे विक्की अपनी जान बचाते घर के अंदर भागा और घर की छत से कूदकर भाग गया। तभी सौरभ के सभी साथी भाग निकले। अपने ऊपर हुए हमले से विक्की बौखलाया हुआ था। इसी दौरान रात करीब 12 बजे विक्की और उसके 7 से 8 साथियों ने अडलक के परिवार पर हमला बोल दिया। विक्की और उसके साथियों ने घर पर पथराव शुरू कर दिया। सौरभ को जान से मारने की धमकी देकर आरोपी फरार हो गए। इस घटना के बाद से परिसर में गैंग वॉर शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सौरभ के खिलाफ मोका और एमपीडीए के तहत कार्रवाई कर चुकी है। जेल से छूटकर आने के बाद से परिसर में उसकी दादागिरी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं विक्की भी हत्या का आरोपी रह चुका है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।